एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दे। वैसे ये वीडियो है स्ले पॉइंट से एंड ये वीडियो का टाइटल है दे विल मेक यू क्राई इन 1 मिनट। ओ माय गॉड, ऐसा क्या है इस वीडियो में कि रोने पे मजबूर हो जाएंगे यार, वो भी 1 मिनट में हम सब रोने लगेंगे। और वो तो ये वीडियो देखकर पता चलेगा कि ये कोई फनी वीडियो है या सच में रोने वाला कोई इमोशनल वीडियो है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों आज आंखों से बाढ़ आने वाली है। प्ले बटन तो आते रहेंगे, आज ये काम आएगा। बर्गर मंगाओ, उसे फेंक दो और टिश्यू उठाओ क्योंकि माहौल बहुत ही सेंटी होने वाला है। मैं तो तैयार हूँ, खुद ही टिश्यू रोल बन के आई हूँ। क्योंकि हम ट्रेंडिंग पेज खोलेंगे जहाँ सिर्फ एक ही चीज चल रही है, इमोशनल स्टोरी। हार्ट टचिंग इमोशनल, हार्ट टचिंग इमोशनल, इमोशनल सैड, हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट। प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। इसमें गिरे हुए आंसुओं से कल नहा लूंगा। हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग, हार्ट टूटिंग, हार्ट टच टचिंग। दिल में छेद हो गया इतनी बार टच टूच टिच करके। इन्हें लगता है दिल से धक धक नहीं, ये आवाज आती है। तो ये लो हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट। भी चला गया सिगरेट पीने, मैं भी एक पी ही लेता हूँ, एक से क्या हो रही है। चलो भाई पींगे। अरे अभिषेक उपमन्यु, चलो भाई पींगे। दारू पिया क्या? नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। हाँ खुद तो पिया है, मुझसे कह रहा मत जा। मैं कह रहा हूँ ना मत जा, मैं तो जाऊंगा। हेलो भाई, नुमान इस दुनिया में नहीं जाऊँ। लेकिन वो तो मेरे, लेकिन वो तो मेरे। सडनली चींटियों ने चड्डी में हमला बोल दिया। भाई नुमान इस दुनिया में नहीं जा। नुमान अब भूत बन के लात मार रहा है। हेलो भाई, नुमान इस दुनिया में नहीं जा। लेकिन वो तो मेरे, ये मस्त दिख रहा है खिसकते हुए। बेस्ट भूत इन सपोर्टिंग रोल। गौतमी नहीं रही, पर गौतमी तो मेरे साइड में ही है। पहले बहुत लेट हो रही है भाई, माँ की तबीयत खराब हो रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन यार मुझे दीपिका पादुकोण के बर्थडे में जाना है। अगर मैं नहीं गया तो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। इंटरेस्टाइल टचिंग स्टोरी। मुझे मेगन फॉक्स के मुंडन पे जाना है, वरना वो डिवोर्स कर देगी। मेगन बाबू, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। दीपिका पादुकोण के बर्थडे में जाना है। रणवीर गोलियों की रासलीला खेल के उड़ा देगा आपको। दीपिका रणवीर से सीधा ये मुरझाया हुआ अक्षय कुमार, यही लोग दीपिका सोच के ओयो जाते हैं, जहाँ कोई दीपेंद्र इनकी किडनैपिंग कर लेता है। वेलकम, बर्थडे मेरा है। अरे मैगी, तेरा भाई टॉप रैमन, ये 100-200 मिलियन लोगों का एक साथ छू रहे हैं दिल। कुछ लड़कियों ने नहीं तो कम से कम इन्होंने तो छुआ। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ये अच्छा मैसेज देने निकलते हैं और 2 कदम बाद बेवकूफी के खड्डे में गिर जाते हैं। जैसे यहाँ भाई रोज खुद की तनख्वाह से सिगरेट खरीदते हैं। सिगरेट देने, सिगरेट देने, और तोड़ के ऐसे गंदगी फैलाते हैं जैसे बाप की सड़क हो, जिसका रीजन है तो सिगरेट लाता तोड़ देता है, ज्यादा पैसा आ रहा है तेरे पास। इसी सिगरेट पीने की वजह से मेरे भाई की मौत हो, और मैं नहीं चाहता कि इसी सिगरेट से अब किसी और के भाई की भी मौत हो। भैया 2 सिगरेट देना, भैया 4 सिगरेट देना। 6 सिगरेट तोड़ के बचा ली पूरी दुनिया, ग्लोबल शॉर्टेज कर दी भाई। मुकेश वापस जिंदा हो गया, दुनिया में सिगरेट ही खत्म। मैं नहीं चाहता कि इसी सिगरेट से अब किसी और के भाई की भी मौत हो। तो सिगरेट की सेल इतनी बढ़ा दी कि कंपनी 5 गुना और बनाने लगे। अबे उन्हें तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तुम तो उनके कस्टमर बन गए ना। भगवान भी सोच रहे कि इसकी भाई के जगह तो इसे उठा लेता। भैया 2 सिगरेट देना, भैया 4 सिगरेट देना। भैया गुटका दारू बीड़ी जो है सब भिजवा दो। अरे मम्मी दुनिया बचानी है, मैं पूरे दुनिया का पी जाऊंगा तो दुनिया क्या पिएगी। नो स्मोकिंग मैसेज ठीक है, बट ये बताने का तरीका इतना गलत। मेरे 2 थप्पड़ मारते अपना बेटा समझकर। और इन भाई को सिखाना था कि खाना वेस्ट मत करो, तो उसके लिए बगल के टेबल पे कोई
खाना छोड़ जाए। आ रहा हूँ। देखो उसका ही खाना उसी के चम्मच से ठूसने लग जाओ और अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो। भैया एक प्लेट मत लगाना। चूहा है। किडनी टच है क्या? कुछ तो टच हुआ फाइनली। भैया एक प्लेट मत लगाना। आ रहा हूँ। सोचो वो दो मिनट में काम निपटा के आए और यहाँ पूरी प्लेट चट। भाई मेरा खाना। ये साइड में हो तो प्लेट छोड़ के बाथरूम भी नहीं जा सकते। वहाँ पेट क्या खाली करो, ये यहाँ प्लेट खाली कर देगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नजर आटी दुर्घटना घटी, यही खाना पड़ रहा है। जो अपने खानदान का झूठा ना खाए वो अनजान लोगों का झूठा खाना सिखा रहे। कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल टचिंग वीडियो। मेरे दो थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझकर। इंसानियत एंड इमोशनल स्टोरी। रेडी भाई तू मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? लस्सी बेच रहे तो शर्मा रहा है क्या? बहुत से कस्टमर मुझे शिकायत कर रहे हैं कि तू अपने काम से शर्माता है। मैं इस काम से नहीं बल्कि अपने इस डल चेहरे से शर्माता हूँ। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बस इतनी सी बात। ये देख ये रहा मुस्टैच का फेस वॉश और स्किन ऑयल। इसे लगाने से तेरे चेहरे के सारे टैन रिमूव हो जाएंगे। वापिस कर मेरी सिंपथी। इतना इमोशनल वीडियो था कि पहले के आंसू भी सूख गए। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बस इतनी सी बात। ये लो पिछवाड़े से निकाल के फेस वॉश। यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, बंदी छोड़ गई। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। फेल हो गया। अरे भाई तू लगा ना फेस वॉश। सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात। इसी से इज्जत पाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं, पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। कितना गंदा सबक। एक लस्सी बना। पता चला अमीर लगने के चक्कर में कल से सूट टाई सनग्लास पहन के आ रहा है लस्सी बेचने। ठेले पे ऐसे मिट्टी के ग्लास उछाल रहा है। पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। भैया कैश लोगे कि यूपीआई? बिटकॉइन। छुट्टा नहीं। पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। इसी से इज्जत पाने के लिए। इज्जत की बात वो कर रहा है इसने घंटे जैसा थोबड़ा बजा दिया था। इन्होंने लॉजिक को थैली में डाल के कचरे के ट्रक में फेंक दिया है। कुछ भी हो रहा है। भैया प्लीज एक व्हाइट शर्ट और ब्लू पेंट दिखाना। भैया मेरे पास व्हाइट पेंट 1000 रुपए की है और ब्लू शर्ट 700 रुपए का है, तो आपके टोटल 1700 रुपए हुए। शुक्रिया भाई। क्या लेने आया था, क्या बेच दिए? भैया एक प्लेट डोसा और एक कटोरी सांबर। ये आपका एक प्लेट सांबर और एक कटोरी डोसा। कंज्यूमर कोर्ट टचिंग। इतने सीरियस मैसेज देने हैं तो ढंग से दो भाई। रोने वाले वीडियोस हैं और हमें हंसी आए जा रही है। मेरे दो थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझकर। अब इन्हें लगता है कि पूरा संसार एक ही काम में लगा हुआ है, दादागिरी या चोरी की प्लानिंग करने में। तो ये उसी का सबक दिए जा रहे हैं। कस्टमर पानी पूरी खा के बिना पैसे दिए जा रहा था। भैया पैसे? अबे हमको जानता, हमसे पैसे लेगा? तो ये चार साइज छोटी शर्ट पहनने वाले आते हैं, खाते हैं और बाकी लोगों का पैसा खुद भर देते हैं। भैया खुले पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, ये आपकी मेहनत के पैसे है, आप रख लो। कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। बाइसेप टचिंग। चोर सामने ही था तो पकड़ लेते, पर नहीं हमने तो सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए इतनी बॉडी बनाई है। ये लोग जो गलती करता है उसको सबक नहीं सिखाते, उसकी गलती की खुद भरपाई करते हैं। लोगों ने पैसा देना ही छोड़ दिया कि ये आके भर देंगे। ये बिना जाने चोरों को ट्रीट दिए जा रहे हैं यार। कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। हाँ सिर्फ अमीरों का दुखाओ, क्योंकि वो तो नोटों से पोंछ लेंगे आंसू। मेरे दो थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझकर। भैया कितने हुए? 20 रुपए। भैया साहब ने पर्स घर पे रह गया है तो मैं इसके पैसे थोड़ी देर से ला के देता हूँ आपको। ये रख लो पैसे, मैं मेरी तनख्वाह में से कटवा दूंगा। अरे भैया मैं तो आपका दिल देख रहा था और आपने तो मेरा दिल जीत लिया। ये बारिश ने घर से लोगों का बस दिल देखने निकलते हैं। मैं तो आपका दिल देख रहा था। छाता टचिंग कॉन्सेप्ट। कभी दिल छू रहे हैं, कभी दिल देख रहे हैं, कभी आंखें देख रहे हैं। क्योंकि उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी थी। मैं तो आपका दिल देख रहा था। भाई मेरा वॉलेट गिर गया होगा, देखना प्लीज। भाई यहाँ तो कहीं है ही नहीं। अरे मैं तो बस आपका पिछवाड़ा देख रहा था। ये रहा वॉलेट। नाइस है। अच्छी।
ये लड़की भी चॉकलेट शेक मंगाती है, पूरा पी लेती है, और फिर जैसे ही पैसे देने की बारी आई, एक्चुअली भैया मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं मैडम, आपका बिल मैं पे कर दूंगा, इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। भैया मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी, ये चॉकलेट शेक के पैसे और ये आपकी टिप। नितम टचिंग वीडियो। मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। आजकल भगवान की जगह शॉर्ट्स वाले ही ले लेते हैं इंसानियत टेस्ट, और इंसानियत टेस्ट जीतने के लिए प्राइज मनी 10 रुपए, और ये आपकी टिप 10 रुपए। भाई इतनी बकलोली सहने के लिए कम से कम 500 तो बनते हैं। तो लड़की के टेस्ट में तो सब पास होंगे। मैं अगर बोलता मैं पैसे लाना भूल गई हूँ तो मुझे कॉलर से पकड़ के मेरी जीप से पोछा लगवाते, मुझे वैक्यूम क्लीनर बना के चुसवाते धूल। मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। गाजियाबाद में ये टेस्ट करने निकले तो इंसानियत दिखने से पहले कट्टा चाकू दिख जाएगा। कुछ पैसे मिलेंगे, किसी ने मेरा पर्स मार लिया। भाई सुना था दिल्ली दिल वालों की, आज देख भी लिया, ये लो अपने पैसे। अरे मैं बस चेक कर रहा था, मैं बस चेक कर रहा था। फिर मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। मैं तो आपका दिल देख रहा था, मैं बस चेक कर रहा था। एक बार मेरा निशाना भी चेक कर लो, कर लो चेक। लास्ट एग्जाम देके घर आ रही थी, रस्ते में 3 और टेस्ट हो गए। ये 2 रुपए का ऋतिक 10 रुपए दे गया। भाई ये एड्रेस कहाँ है? इंटरव्यू के लिए आए हो क्या? आगे से राइट। थैंक यू। भाई बाथरूम में खड़े हो, आगे से राइट कमोड है कि इंटरव्यू में तो हगने ही वाले हो, यही हग लो। थैंक यू। हाय सर, आपको ये जॉब पाने के लिए 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। हैं इतने पैसे? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। आपके पास भी नहीं है सर, वरना आप ताज के कपड़े पहन के बर्गर किंग में इंटरव्यू लेने नहीं बुलाते। पैसे नहीं हो तो आप जा सकते। क्या हुआ भाई? ये अभी भी वही है, अभी का बाथरूम की टाइल्स गिर रहा है। क्या हुआ भाई? नहीं हुआ सेलेक्ट यार, इस जॉब में कुछ नहीं रखा है। एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। हाँ पता है, समझ गए, अब ये करोड़पति बन जाएगा, हेलीकॉप्टर से उतरेगा और इंटरव्यू वाले पे थूकेगा। हो गया तुम लोग का हार्ट टचिंग, समझ गए। एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। क्या बिजनेस? बिजनेस से बेटा, स्माइल तो ऐसे थी जैसे प्राइवेट जेट ऑर्डर होने वाला है। पर सर आपका ऑर्डर। एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। इसीलिए बाथरूम में खड़े लोगों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। योर बिल। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? ये आपके रिश्वत के पैसे, जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे तब मुझे दे देना। तो तब तो पैसे नहीं लेगा? नहीं। अरे अच्छा है, तब तो कभी मेहनत का नहीं कमा रहा भाई, लाइफ टाइम फ्री फूड। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। चल 2 और प्लेट बिरयानी लेके आ, चल गुजराती थाली रेडी रखियो कल 100 लोगों के लिए। जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे तब मुझे दे देना। जब कमाऊंगा मेहनत का दूंगा ना, कभी नहीं दूंगा। इसको वो जॉब मिली नहीं, ये जॉब भी चली गई। ऐसी घटिया स्टोरी है जहाँ हीरो हगते ही जा रहा है। थैंक यू। टॉयलेट टचिंग वीडियो। थैंक यू। लेजेंड सेज ये आज भी वही टॉयलेट में हग्गू लाइफ एडवाइस बांट रहे हैं। एक अनाथ की कहानी जहाँ बच्चे को गाड़ी साफ करते देख हमारे इंसानियत के देवता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये ले तेरे पैसे, और ये हमारे होटल का कार्ड है, थोड़ी देर बाद इस एड्रेस पे आना, काम है तुझसे। भाई तो आँखों में उम्मीद लिए बच्चा होटल आता है और ये यहाँ अब उससे टेबल साफ करवाता है। वेल डन। टचिंग। आज से तू रास्ते पे लोगों की गाड़ी साफ नहीं करेगा, क्योंकि आज से तू टेबल साफ करेगा। तो क्या फर्क पड़ गया, ये तो सेम ही काम कर रहा है। झाड़ू मारने वाले को ताजमहल में झाड़ू मारने लगवा दो तो उसे प्रमोशन नहीं कहते। और ये हमारे होटल का कार्ड है। एक तो होटल बोल के ढाबे पे बुला लिया, भाई जान ढाबा। एक अनाथ का दर्द सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। हाँ उसका दर्द पढ़ाई करके, स्कूल जाके कहाँ, टेबल साफ करके ठीक होगा। टाइटल थोड़ा ठीक कर दूं, चाइल्ड लेबर की कहानी हार्ट टचिंग। जो बची कुची इंसानियत है ना वो सब भी मिट जाएगी इनके वीडियोस देख के। बता तुझे किसने हाथ लगाया, साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना, तेरा भाई सबसे आगे खड़ा रहेगा। चल टचिंग पे आ गए भाई, बहुत करीबी दोस्ती नहीं हो गई ये? बता तुझे किसने हाथ लगाया? तूने भाई, ये हाथ 2 सेंटीमीटर से मिस होता भाई कुछ और खिंच जाता।
चल। वो तो पैंट टाइट थी वरना। बैठ रही, उसको हाथ से ही मार देंगे यार। किसने बोला बेल्ट खींचने? मेन पॉइंट टचिंग। फाइनली कुछ तो टच हुआ। यही बन चुका है अब YouTube शॉर्ट, वही सेंटी वीडियोस। भिकारी कहीं का साला गरीब। थैंक यू। विद वही सेम स्टोरी, विद वही सेम डायलॉग्स। दे तो पिज्जा ऐसे रहा जैसे इसके बाप के पैसों का। दे तो ऐसे रहा जैसे इसके बाप के पैसों की हो। बस एक्टर बदल दिए, बन गई न्यू वीडियो। हंसाने से बेटर रुलाना ही। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप नहीं चाहते कि शॉर्ट्स वाले आपके पैंट का बेल्ट खींच के भाग जाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे आ रहे वो बेल्ट लेने, जल्दी सब्सक्राइब करो। मेरे दो थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझकर। सो गाइस, पता नहीं ये क्या वीडियो थी। हार्ट टचिंग था, हार्ट टचिंग था, हार्ट टीचिंग था, हार्ट और क्या था, टेकिंग था, पता नहीं ये क्या वीडियो था, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा इसका टाइटल था, लिखा था दैट विल मेक यू क्राई। सही बात है, एक मिनट में रुला ही दिया, मतलब इतना हंसाया है ये वीडियो। ओ गॉड, हंस हंस के रोने वाला ही है। अब चाहे इमोशनल होके आप रोइए, चाहे आप हंस हंस के रोइए, रोना तो हो ही रहा है ना। वैसे क्या वीडियोस, मतलब लिटरली क्या वीडियोस था मैन, कुछ भी। उस बच्चे को वो जो कार पोछ रहा था, उसे अपने होटल का कार्ड दिया, होटल तो था नहीं, ढाबा था, और बुलवा के मुझे लगा लिटरली उसे शायद स्कूल में एडमिशन करवाएगा एंड ऑल, कुछ अच्छा सा इंसानियत वाला काम करेगा। करवाया क्या, आखिर उसे टेबल पोछवा रहा है, बात तो एक ही बराबर हो गई। वो वहां भी वही काम कर रहा था, यहाँ भी वही काम कर रहा है। बेटर होता कि वो उसे किसी स्कूल में एडमिशन करवा देता, किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही सही, एंड कुछ अच्छा करता उस बच्चे के लिए, तो हाँ मैं बोल सकती थी कि हाँ वो एक इंसानियत वाला हुआ, क्या एक गरीब कुछ अनाथ वाला कुछ ऐसा था। लेकिन उसका टाइटल चेंज करके चाइल्ड लेबर की कहानी, वो बहुत सही उन्होंने किया। एंड वो वैक्यूम क्लीनर वाला जो सही बात है, ऐसा कौन ही कि मैं आपका दिल देख रही थी, मैं आपकी इंसानियत देख रही थी, मतलब क्या है, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। अरे भाई साहब, मतलब कुछ भी करना है आप सबको, मतलब लाइक्स व्यूज सब्सक्राइबर्स पाने के लिए आप लोग कोई भी कंटेंट उठा के वीडियो बना देते हैं, एंड इतनी घटिया कंटेंट, इतनी घटिया, मतलब कुछ तो सर पैर होना चाहिए उस वीडियो का, उस कंटेंट का, लेकिन लिटरली जीरो, कुछ नहीं। इतनी बकवास वीडियोस मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब क्या बोलूं, कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रह गया ये सब वीडियोस देखने के बाद, मतलब इतनी हंसी आ रही थी इन वीडियोस को देख के। ओ गॉड, सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर से शेयर करें। वैसे इस वीडियो का लिंक और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बगल में भी आईडी पार ही हो रहा होगा। एंड जरूर से कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, एंड कोई सजेस्टिव वीडियो है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उन सभी पे रिएक्ट करूंगी। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।